आज बात करते हैं गुड़ के बारे में। वही गुड़ जिसको अच्छा दिखाने के लिए केमिकल डाल देते हैं, जिसका वजन बढ़ाने के लिए केमिकल डाल देते हैं, और हम उसे मिठाई में डाल देते हैं। सबसे पहले चौकोर कड़ाही में एक गन्ना का रस को डाल देते हैं और रस से भरी कड़ाही को उबाला जाता है और ऊपर में जमी जितने भी मैल फंगास होते हैं उसे छान कर निकाल लिया जाता है। और इस प्रोसेस को 3 बार करने के बाद लास्ट में शुद्ध गन्ने का जूस बचता है और उसी रस को जमा कर गुड़ के रूप में बदला जाता है। और यहाँ तक तो आपको मिलेगा शुद्ध गुड़, पर यहीं से मिलावटी का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, क्योंकि गुड़ को बेचना होता है किलो के भाव में। और उसके लिए इन लोग करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल को वजन को बढ़ाने के लिए, जिसे हम लोग बढ़िया वजनदार गुड़ समझकर खरीद लेते हैं, पर ये गलती आप नहीं करना है। और जाहिर सी बात है कि रस का बना गुड़ कितना ही सुंदर दिखेगा, पर उसे सुंदर दिखाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुंदर और लुभावनी दिखने की वजह से उसे हम खरीद लेते हैं। और यहीं पे हमारे साथ दूसरी बार गलती हो जाती है और पहचान करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर ही देना। हमेशा काला या डार्क ब्राउन गुड़ ही केमिकल फ्री होता है, क्योंकि जो सफेद गुड़ दिखाई देता है वो स्वास्थ्य के लिए और आपकी मिठाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। और इसी के साथ आप ये भी जान लें कि लाल गुड़ को भी बहुत अच्छा माना जाता है और गुड़ में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन जैसी चीजें पाई जाती हैं, इसीलिए इसका वजन घटाने में बहुत अहम रोल रहता है। और आपने सुना होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि खाना खाने के बाद एक बाइट गुड़ खा लेना चाहिए। और सर्दी के दिनों में गुड़ खाने के फायदे के बारे में आप जरूर जान लें। जिन्हें सर्दी होता है उन्हें गुड़ तो खाना ही चाहिए, क्योंकि गुड़ की तासीर होती है गर्मी, वो वाली गर्मी नहीं, बॉडी गर्म करने वाली गर्मी। गुड़ खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाती है, मतलब खून भरपूर रहेगा शरीर में। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपकी हड्डी मजबूत हो सकती है। ये सबसे पहले खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द और पाचन को सही कर देता है, मतलब ठंड में जिनका जाना आना ज्यादा बढ़ जाता है वो गुड़ खा लें, उनका पाचन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप फायदा सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हैं तो ये भी जान लें कि हमने शक्कर के बारे में भी ऐसे वीडियो बनाया है रिसर्च कर। चीनी और एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी बातें हम रिसर्च करके बताते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उन तक शेयर जरूर करना जो गुड़ के फायदे नहीं पता है उनको।